नमस्कार, तो एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। मणिपुर में दो महीने से चल रही हिंसा के बीच अब ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। अगरतला सेक्टर असम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन ने करीब 2 करोड़ के हीरोइन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अफसर ने बताया कि तस्करों को नार्को आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कछार जिले के लखीपुर सब डिवीजन से पकड़ा गया है। अगरतला सेक्टर असम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन ने असम राइफल्स के इंस्पेक्टर जनरल के संरक्षण में 24 साबुन केस जब्त किए हैं एवं जिनमें करीब 2 करोड़ के ड्रग्स होने की संभावना है। DRI ने अपने बयान में ये जानकारी दी है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हिंसा की घटनाएं 3 मई से चल रही हैं, जिससे समाज का लगभग हर वर्ग प्रभावित है। ये हिंसा तब शुरू हुई जब मणिपुर की 2 बड़ी समुदाय कुकी और मैतेई में से मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया था। एक अफसर के अनुसार राज्य में अशांति के माहौल के बीच तस्कर मणिपुर से असम इन ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करने के लिए फिराक में थे।